हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और आज हम आए हैं नीम करोली बाबा, जो नैनीताल के पास स्थित हैं। और मैं इनसे बहुत टाइम से कनेक्टेड हूँ, और जब भी मैं नैनीताल के आसपास आता हूँ तो डेफिनेटली मैं नीम करोली बाबा के दर्शन करने ज़रूर आता हूँ। और ऐसा बोला जाता है कि इस जगह पर बहुत ज़्यादा एनर्जीज हैं जो मुझे हर बार फील होती हैं। और सिर्फ ये ब्लॉग दिखाने के लिए नहीं, जगह घुमाने के लिए नहीं है। इनकी फ़ोटो हमेशा अपने पर्स के अंदर रखता हूँ, क्योंकि जब मैं पिछली बार आया था तो मैं एटलीस्ट आप मानेंगे नहीं 15 से 20 मिनट के लिए मेडिटेट करता रह गया। और घर वाले बोलते रह गए, चलो चलो टाइम हो गया निकलता है, बट मैं उठ नहीं पाया। तो तब से मैं इनके साथ कनेक्टेड हूँ, दिल से कनेक्टेड हूँ, और मैं इनको बहुत मानता हूँ, और मेरी एक उनके लिए विश्वास है। तो आज मैं उनके दर्शन करने आया हूँ, और मुझे बहुत बचपन से कुछ बातें मैंने नीम करोली बाबा के बारे में सुनी है अपने घर वालों से। एक युवा साधु जिन्होंने अपनी शुरुआत फरकाबाद यूपी नीम करोली से करी थी, जिनको बाबा को लक्ष्मण दास के नाम से पहले प्रचलित थे, उसके बाद उनका नाम नीम करोली बाबा पड़ा। ऐसा बोला जाता है कि उनकी शक्तियां हनुमान जी की शक्तियों के सम्मिलित हैं, या हनुमान जी की शक्तियों के बराबर हैं। वो दुनिया जहान से बिल्कुल अलग थे, इसलिए आज भी उनके आश्रम में वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। इस आश्रम में 3 टेम्पल हैं, एक हनुमान जी का, एक दुर्गा माता का और एक नीम करोली बाबा का। 11 सितंबर 1973 ने बाबा से इस दुनिया से अलविदा लिया था, और इनकी मृत्यु मथुरा के अंदर हुई थी। उनकी अस्थियों को नीम करोली आश्रम में लेके आए थे, क्योंकि ये बाबा की आखिरी इच्छा थी कि उनकी अस्थियों को नीम करोली आश्रम के अंदर ही रखा जाए। इस आश्रम की शुरुआत 15 जून 1965 में हुई थी। तब से लेकर अब तक इस आश्रम के अंदर इस दिन पर एक मेले की फॉर्म में या फिर एक भंडारा, बहुत बड़ा भंडारा, जिसके अंदर देश विदेश से लोग यहां पर आते हैं। एक मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब, जिसके बारे में आप लोग सब जानते हैं, 1974 अपनी कंपनी स्टार्टअप करने से पहले वो नीम करोली बाबा के आश्रम आए थे। ऑल्दो वो बाबा से मिल नहीं पाए थे क्योंकि उनकी मृत्यु पहले हो गई थी, बट वो आश्रम में उनकी शक्तियों से इतना प्रभावित हो गए थे कि वो यहाँ पर 2 से 3 हफ्ते यहाँ पर बाबा के आश्रम में रह के गए। और ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने अपने कंपनी का नाम और लोगो बाबा के फेवरेट फ्रूट पर रखा, जो था वो एप्पल। जब स्टीव जॉब वापस गए, उनकी कंपनी चलने लगी, तो उन्होंने मार्क जुकरबर्ग को भी बोला कि आप बाबा के आश्रम जाओ। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्क जुकरबर्ग भी इंडिया के अंदर आए थे अपनी फेसबुक को स्टार्ट करते। और मैं अगर कुछ लोगों का नाम लूँ रिसेंटली, अगर आप देखोगे तो विराट कोहली, अनुष्का शर्मा भी नीम करोली बाबा के आश्रम में गए थे। अगर मैं विदेशी एक्ट्रेस की बात करूँ, जूलिया रॉबर्ट, जिन्होंने बाबा के आश्रम में आने के बाद हिंदुज़म का पाथ फॉलो किया था। और एक और स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिनका नाम रिचर्ड एल्पर्ट था, जो 1966 में बाबा के आश्रम में आए थे, उनका ये मानना था कि स्पिरिचुअलिटी को अगर आपको पाना है तो उसको ड्रग्स करना पड़ेगा। तो जब वो बाबा के आश्रम आया, वो बाबा से मिले, तो बाबा ने उनको गलत साबित करने के लिए पूरा का पूरा ड्रग्स खा लिया था, और उनको उस ड्रग्स को खाने के बाद कुछ भी नहीं हुआ था। ये स्वरूप देखकर रिचर्ड बिल्कुल दंग रह गए थे। एक दिन रिचर्ड तारों में कुछ देख रहे थे, तभी पीछे से बाबा आके बोले, मुझे पता है तुम अपने इन तारों के अंदर अपनी मम्मी को ढूंढ रहे हो, अपनी माता को ढूंढ रहे हो, जिनकी मृत्यु अभी कुछ महीने पहले हुई है। इस चीज़ को देखकर, क्योंकि ये बात सिर्फ रिचर्ड जानते थे और रिचर्ड के साथ में रहने वाले बंदे तक नहीं जानते थे, तो रिचर्ड ने उस दिन से बाबा के साथ अपना दिन प्रतिदिन उनके साथ रहना चालू कर दिया, और वो बाबा की शरण में आ गए। एक वो सालों से स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने लगे। उसके बाद रिचर्ड एल्बर्ट का नाम बदल के बाबा रामदास रखा गया। तो यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट होप आपको ये नीम करोली बाबा की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए।